हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों का नमस्कार, सबों को सलाम, सबों को फिर से मैं वेलकम करना चाहता हूं। और आज इस वक्त बड़े दिनों बाद मैं आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात कर पाया हूं और आज इस लाइव के माध्यम से मैं आप सबों के साथ जुड़ पाया हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस पल का इंतज़ार करते हैं और मैं भी आप लोगों से मिलने के लिए बेताब रहता हूँ। तो आज की इस प्रोग्राम को हम जल्दी से शुरू करते हैं और कुछ खूबसूरत गाने आज बॉलीवुड हिट्स होंगे आपको। और इस वक्त आप विजय केदी को सुन रहे हैं। अगर पहली बार आए हैं आप तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो जरूर करें और अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें और ऐसे ही गानों का लुत्फ़ उठाते रहें, मज़ा लेते रहें। श्रीदेवी नायर जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं और जब तक कि दूसरे गाने में आप लोगों को सुनाऊँ जल्दी से हेलो लिख देते हैं और एक खूबसूरत सा गाना मैं आप लोगों के बीच में लेके आता हूँ। मुक्ता जी को मैं देख पा रहा हूँ। हाय मुक्ता जी, कैसे हैं आप? विप्लव सिंह दीप भी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत करता हूँ। और मुक्ता जी हैं, श्रीदेवी जी हैं। और चलिए जल्दी से मुक्ता जी के लिए एक गाना मैं जल्दी से गाऊंगा और ये गाना आप लोगों को खास करके जो पहले आते हैं और जो सुनते हैं उनके लिए डेडिकेट करते हुए है। थैंक यू सो वेरी मच मुक्ता जी, थैंक यू सो वेरी मच। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं प्लीज हेलो लिखते जाएं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जुड़े हुए हैं साथ में। सभी जी हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत करता हूं मैं जल्दी से। जल्दी जल्दी शेयर करना चालू कर दीजिए आप लोग। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। जान के भी अनजाना कैसा मेरा प्यार है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। जॉली जी भी दिख रहे हैं। हेलो जॉली जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका भी। यस, आप हम आपके हैं कौन मूवी से ये गाना लिया गया है? और सलमान खान माधुरी दीक्षित जी के ऊपर ये गाना फिल्माया गया था। उसकी नजर पलकों की चिलमन में मुझे देखती, उसकी नजर उसकी हया अपने ही चाहत का राज खोलती, उसकी हया चुपके करे जो वफा ऐसा मेरा प्यार है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। अमिता दास जी हमारे बीच में, हम कभी मैं स्वागत करता हूं। थैंक यू सभी जी फॉर दिस ब्यूटीफुल कमेंट। और आप लोग जल्दी जल्दी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बीच में। थैंक यू जॉली जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर सेंडिंग दिस स्टार्स। थैंक यू सो वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू फॉर दिस।
वही मेरी जिंदगी की भोर है, वो है निशान। उससे ही पतन और है, उसके ही हाथों में मेरी डोर है, उसे है पता। सारे जहां से जुदा है सवेरा प्यार है, ओ, 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 पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। थैंक यू सो वेरी मच। और धीरे धीरे हमारे बीच में लोग जुड़ते जा रहे हैं और जितने लोग नए आ रहे हैं मैं सभी का स्वागत करता हूं। मनोज सिंह राठौर जी को मैं देख पा रहा हूं और उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुक्ता जी लिखते हैं कि सो ब्यूटीफुल लवली सॉन्ग विथ सो रोमांटिक वॉइस, ऑसम परफॉर्मेंस, स्पीचलेस सिंगिंग, फैंटास्टिक। थैंक यू सो वेरी मच मुक्ता जी, थैंक यू सो वेरी मच। और अमिता दास जी भी हमारे बीच में हैं और इस लाइव को देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। जितने भी लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं या नए नए जुड़ रहे हैं तो आप लोग भी मुझे हेलो लिख सकते हैं और ताकि मैं आप लोगों को आज कुछ बहुत अच्छे अच्छे गाने आप लोगों को सुनाऊंगा। आज तो मौसम कुछ यहाँ का इस तरीके से था कि पावर कट होने का चांस था, आंधी तूफान और ये हल्की सी बारिश की कुछ बूंदाबांदी भी हुई वहाँ पे। आप लोग की तरफ कैसा है मौसम का नज़ारा, थोड़ा बताते जाएं, लिखते जाएं ताकि आप लोग भी अपना कुछ कुछ लिखते रहेंगे तो मज़ा आएगा मुझे। आप लोग भी अपने बारे में बताएं कि आप लोग कैसे हैं। जब तक कि आप लोग लिखते रहेंगे मैं कुछ गाने भी आप लोगों को सुनाता रहूंगा, तब तक आप लोग लिखते रहेंगे। एक खूबसूरत सा गाना फिल्म डर नाम का एक मूवी था, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा। जूही चावला जी और शाहरुख खान साहब इसमें नजर आएंगे। 1993 की ये मूवी है और बहुत ही खूबसूरत सी मूवी है। मुरली शंकर सिदार जी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत करता हूँ मैं। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। विनीता तांडी जी हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत करता हूं मैं। और सीमा किसवार जी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका भी स्वागत करता हूं मैं। मिनी शिवा जी हमारे बीच में है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मिनी शिवा जी कैसे हैं? मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। हरविंदर अंकल हमारे बीच में हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अंकल नमस्कार, कैसे हैं? वेरी नाइस टू सी यू।
फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं। मांग लूंगा तुझे आसमां से, चुन लूंगा तुझे इस जहां से, तू हां कर या ना कर, तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हां कर या ना कर, तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। थैंक यू सो वेरी मच। और हमारे बीच में बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में हरविंदर अंकल हमारे बीच में आ चुके हैं, और बड़े दिनों बाद दिख रहे हैं हरविंदर अंकल। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा समय अपने परिवार के साथ बिताने के बाद वो फिर से US पहुंच चुके हैं, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि काफ़ी मैं व्यस्त रहूँगा जब मैं इंडिया में रहूँगा, और जाहिर सी बात है कि बड़े दिनों बाद आए थे अपने फैमिली से मिलने के लिए, तो काफ़ी अच्छा समय रहा। हरविंदर अंकल कैसे हैं आप? नाइस, गुड टू सी यू। मनोज सिंह राठौर जी हमारे बीच में, बिजू जी आए मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र सुना दो, ठीक है मनोज जी के लिए आए मेरे हम सफ़र सुना देता हूँ। और हमारे बीच में और कौन कौन है, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं सभी का मैं बिल्कुल। महाराज जी भी हैं हमारे बीच में, सीमा जी तो पहले से ही आ चुके हैं, और जॉली जी को भी बहुत अच्छा लगा ये गाना। मिनी शिवा जी ब्रेकफास्ट बनाते हुए, रोहित नागे जी हमारे साथ हैं, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं लिख रहे हैं। और हरविंदर सिंह अंकल को उनके स्टार्स के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और विजय पटेल जी हमारे बीच में हैं, और कौन कौन है, मिनी शिवा जी भी आ गए हैं नाश्ता बनाते हुए हम सब के लिए। और जितने भी लोग का मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, मैं उन्हीं को ही देख पा रहा हूँ, बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो माफ़ी चाहूँगा अगर मैं आप लोगों का नाम नहीं ले पाया तो। हम लोग सब ठीक हैं हरविंदर अंकल, आप बस आपकी कमी थी और आप नहीं रहते हैं तो लगता है कि कोई तो नहीं है ऐसा टाइप का, काफ़ी लोग ठीक है। रंजीत सिंह अंकल भी आ गए हैं मेरे ख्याल से, पता नहीं उनका कमेंट नहीं आया। मनोज जी ने लिखे हैं ए मेरे हम सफ़र सुना दो, फिल्म बाजीगर का लिख रहे हैं क्या आप मनोज जी, अगर बाजीगर फिल्म का ए मेरे हम सफ़र, YouTube से हमारे बीच में आलोक चटर्जी, आलोक मामा हमारे साथ हैं, और दिलेश्वर सिदार जी हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। एक ए मेरे हम सफ़र फिल्म क़यामत से क़यामत तक का है, और एक ज़रा इंतज़ार, ओके क़यामत से क़यामत तक का, चलिए आपके लिए ये गाना तैयार है, मनोज सिंह जी के लिए है। शिव कुमार यादव जी बाजीगर लिख रहे हैं, पता नहीं कौन सा, लेकिन शिव ओके। विजय पटेल जी हमारे बीच में है, अनिता पटेल के आईडी से, आई मीन अनिता पटेल जी हैं वहाँ पे। एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की, ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है
मंजिल प्यार की। थैंक यू सो वेरी मच महाराज जी। सीमा केसवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुक्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो फिर कुछ ऐसे सोचे कि 90s के बहुत खूबसूरत गाने होने वाले हैं। रोहित नागे जी हमारे बीच में है। रोहित जी नमस्कार, आइए, स्वागत है। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। कैसे न मिलेगी मंजिल प्यार की, ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की। शकीला खान जी हमारे बीच में है, बहुत बहुत स्वागत है शकीला जी। विनायक जी थैंक यू सो वेरी मच। महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार ने जहां पे रखा है, चूम के कदम इकबा, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। प्यार ने जहां पे रखा है, झूम के कदम इकबा, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की, ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की, ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। थैंक यू शकीला जी। और रनिता सरकार जी भी हमारे बीच में है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और कमल शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। विजय वोरा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। सभी लोग जो हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार देते रहें और गाना सुनते रहें। और खास बात यह है कि हरविंदर सिंह अंकल हमारे बीच में बड़े दिनों बाद जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनका। रोहित नागे जी और मनोज जी दोनों इटारसी से हैं और मुझे इटारसी आने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग अगर किसी दिन मुझे याद करेंगे तो मैं डेफिनेटली आऊँगा। और कभी कभी रास्ते में था, लास्ट टाइम रोहित नागे जी लिख रहे थे कि इटारसी से होते हुए जाएगी आपकी गाड़ी। जी हाँ, मैं याद कर रहा था आप लोगों को उस दरमियान। तो इस
कभी अलग से याद करेंगे तो मैं आप लोगों के बीच में अवश्य आने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। तो इस बीच सरकार रनिता जी और सीमा केसवार जी, इन लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। मुक्ता जी काफ़ी पसंद करती हैं ऐसे ही गाने, और मिनी शिवा जी तो ऑल टाइम हर गाने का लुत्फ़ उठाती हैं, मज़ा लेती हैं। और ज़िंदगी के सफ़र में किसी ने लिखा था कोई गाना पीछे से, तो जल्दी जल्दी अपने अपने पसंद के गाने लिखते रहेंगे ताकि बीच बीच में जो मुझे आएगा, और कुछ गाने मेरे पास हैं जो मैं अपनी पसंद से सुनाऊंगा, और कुछ आप लोग अपनी पसंद से भी सुन सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप लोगों में से किन किन लोगों ने इस लाइव को शेयर किया है, थोड़ा सा जल्दी से मुझे बता सकते हैं क्या? थैंक यू सो वेरी मच मुक्ता जी कि आपने ज़िंदगी के सफ़र में, मुक्ता जी इस लाइव को शेयर करते हैं और सेव भी करते हैं, उसी तरीके से मिनी शिवा जी भी हैं और काफ़ी लाइव देखते हैं। आप लोगों का प्यार के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सीमा जी के लिए लिखे जो खत तुझे करेंगे। ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मज़ा, ये है क्या, या ज़िंदगी के सफ़र है, ये कैसा सफ़र, कौन सा गाना है? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा आऊँगा ज़िंदगी के सफ़र में। ओके, कमल शर्मा जी ने किया है, देखिए कितने अच्छे से कमल शर्मा जी ने बस एक ही ने लिखा है। मुक्ता जी ने तो पहले से ही लिख दिया था कि उन्होंने सब जगह पे शेयर किया। सीमा जी आपने शेयर किया नहीं किया, मनोज जी आप भी थोड़ा शेयर कर देते तो अच्छा रहता। ओके चलिए फिर रोहित नागेश जी के लिए ये गाना मैं जल्दी से लेके आ जाता हूँ। विजय बोरा के लिए मेरे दिल में आज क्या है, आज क्या है? जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। कागज था मन मेरा, सब एक एक करके मैं लेने की कोशिश करूं। फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। कमल शर्मा जी थैंक यू सो वेरी मच, मनोज सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, सरकार रनिता जी बहुत बहुत शुक्रिया,
विजय बुरा जी, थैंक यू सो वेरी मच। अमिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना चौधरी जी हमारे बीच में है, बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना जी। आप अगर पहली बार जुड़े हुए हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिए जल्दी से। थैंक यू सिद्धि जी। आंख धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है, सुनो दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़प ना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। गाना बहुत ही खूबसूरत है, मीनिंगफुल है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इस गाने को पूरा लूंगा और उसके बाद फिर। मुन्ना चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और प्लीज आप जल्दी से शेयर कर दें इसको। कमल शर्मा जी लिखते हैं, तारीफ कैसे करूं, शब्द नहीं है, बस आपने लिख दिया सर, आपने तारीफ कर दिया आपने, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा सीमा केसवा जी सोने जाएंगे, इसके बाद लिखे जो खत तुझे करेंगे। शैला बरबसा जी स्वागत है आपका, वेलकम वेलकम, थैंक यू मनोज जी। सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं एक पल में, ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे में मंजर बदल जाता है, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। थैंक यू सो वेरी मच। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, बिल्कुल ऐश्वर्या आंटी जी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि सीमा जी का एक गाना था लिखे जो खत तुझे, वो सोने वाली हैं, तो सोने से पहले एक मैं खूबसूरत सा गाना अगर उनको सुनाऊंगा तो वो भी मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, और अच्छे अच्छे पकवान जो बनाती हैं वो फोटो डालती हैं उसको भी मुझे खिलाते रहेंगे। इस बीच तापस चटर्जी, तापस मामा भी आ चुके हैं हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सभी लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहे। सीमा जी अगर आप हैं तो जल्दी से मुझे हेलो लिख दीजिए ताकि मैं आपके लिए, या जी जी सीमा जी हैं यहाँ पे हमारे बीच में। तो ये खूबसूरत सा गाना, क्या लिखूँ, बेहतरीन लिखूँ उतनी ही बेहतरीन प्रस्तुति। रोहित नागे जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके रिक्वेस्ट पर यह गाना सुन रहे थे। मोहम्मद औरंगजेब साहब हमारे बीच में हैं, कहाँ से देख रहे हैं औरंगजेब साहब, आप पहले से बताएं, और पहली बार जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ आप इस पेज को फॉलो जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें जल्दी से अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को जो म्यूज़िक से प्यार करते हैं, उनके लिए उनको बुला के लाएं जल्दी से। ये खूबसूरत गाना रफ़ी साहब का गाया हुआ, लिखे जो खत तुझे
वो तेरी याद हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। थैंक यू मिनी शिवा जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर सेंडिंग स्टार्स। कन्यादान फिल्म का लिख रहे हैं कमल शर्मा जी। यस, कोई नगमा कहीं गूंजा कहा दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी लगाए जुल्फ लहराए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। कृष्णा राजपूत जी हमारे बीच में, स्वागत है। अंबिका प्रसाद जी भी हमारे बीच में, उनका भी बहुत स्वागत है। फिजा रंगी अदा रंगी ये इटलाना ये शर्माना ये अंगड़ाई ये तन्हाई ये तरसा कर चले जाना। मना देगा नहीं किसको जवा जा तू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। अच्छा इटारसी से लिख रहे हैं, थैंक यू अंबिका जी, थैंक यू। अमिता दास जी शुक्रिया। जहां तू है वहां मैं हूं, मेरे दिल की तू धड़कन है मुसाफिर मैं तू मंजिल है। मैं प्यासा हूं तू सावन है मेरी दुनिया ये नजरे है मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। थैंक यू सरकार रनिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबरदस्त जबरदस्त सरकार रनिता जी को काफी पसंद आया है। और कमल शर्मा जी लिख रहे हैं कि रफी किशोर सभी आपके कंठ में बसे हैं, उनके आशीर्वाद भी साथ है। थैंक यू सो वेरी मच सर आपके प्यार के लिए और ऐसे हौसला अफजाई के लिए। आप इस तरीके से लिख के अच्छी नींद आएगी आज। यस, मुझे मालूम है कि आज आपको काफ़ी अच्छी नींद आएगी। Why is the song going fast? Oh, maybe there may be some problem in your network, I think. बाकी लोगों को मेरे ख्याल से सही अगर पहुंच रहा है if, तो शैला जी के लिए कभी कभी होता है कि जब लाइव स्ट्रीम होता है किसी किसी के पास फास्ट पहुंचता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मेरे ख्याल से आप सबको सही अगर लगा होगा, सही सुनाई दे रहा है या फास्ट पहुँच रहा है अब तक, थोड़ा लिख के बताएं, फीडबैक भी देते रहें ताकि मुझे पता चले। थैंक यू अंबिका जी और बहुत बहुत शुक्रिया।
ओके नेक्स्ट सॉन्ग किसका था जल्दी से लिखेंगे. गजल उजल अपन बाद में करेंगे. सरकार अनिता जी अभी कुछ गजल उजल लिख दी थे मेरे ख्याल से किसी ने. जी हाँ रोहित नागे जी को पता है कभी कभी होता है. और विजय पटेल जी अनिता पटेल जी दिख रहे हैं. विजय पटेल तो नहीं है तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा ये. बहुत बहुत शुक्रिया. कोई राहत और ओल्ड एनी चॉइस. ठीक है कमल शर्मा जी के फेवरेट में से मुकेश जी हैं तो उनके लिए भी घुंघरू की तरह बसता रहूं. मुन्ना चौधरी जी के लिए यस बिल्कुल. शिव रतन तोमर जी हमारे बीच में उनका भी मैं स्वागत करता हूँ. अब फिलहाल राहत फतेह अली खान साहब का गाया हुआ एक गीत मिनी शिवा जी के लिए. रोहित नागे जी के लिए मेरा प्रेम पत्र एक एक करके लूंगा मैं सबके लिए. तेनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी. मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी. तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा. तू दिल तू यू जान मेरी. मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी. तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा. तू दिल तू यू जान मेरी. मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा. थैंक यू सो वेरी मच कमल शर्मा जी, सेवी जी, अंबिका प्रसाद जी, जॉली मैम, तापस मामा. मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने. तेरे बाजा कलियां बैके रो दे नैन माने. जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सी कर एतवार मेरा. मैं करा इंतजार तू दिल तू यू जान मेरी. मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी. माधव नामदेव जी हमारे बीच में है जबलपुर एमपी से. बहुत बहुत स्वागत है माधव जी. जल्दी से इस पेज को फॉलो करके शेयर कर दीजिए जरूर इस लाइव को. वीके मालवीय जी भी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत करता हूँ. थैंक यू अंबिका जी, कमल जी, थैंक यू सो वेरी मच. करुण सरोज जी का भी बहुत बहुत स्वागत है. सुनजिया दिल दिया गलियां सुन दिया मेरी आवाज़. आ जा तेरिया खुशबुआनू लब दिया मेरिया सांस. तेरे बिना है कि मैं
करा इंतजार तेरा तू दिल तू यू जान मेरी मैं तेनू समझावा कि न तेरे वाजो लगना जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यू जान मेरी मैं तेनू समझावा कि न तेरे वाजो लग थैंक यू सो वेरी मच माधव नामदेव जी पहली बार जुड़े हुए हैं मेरे ख्याल से या पहले आ चुके थे पता नहीं बहुत बहुत स्वागत है आपका माधव जी और आपको अच्छा लग रहा है अमिता दास जी भी लिखते हैं बेहतरीन और इसी प्रकार काफ़ी लोग जो नए जुड़े हुए हैं मैं आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं और जो लोग देख रहे हैं चुपके चुपके देख रहे हैं जल्दी से इसमें कुछ कुछ लिखते जाएं और मानक मोनू जी हमारे बीच में हैं आप परी आपको याद करिए परी मुझे बहुत याद करती है कमल शर्मा जी रख रहे हैं खूब बालो थैंक यू सो वेरी मच कमल शर्मा जी के लिए भी एक गाना अलग से होगा मुकेश जी का गाना होगा और लेकिन इससे पहले कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने अपने फरमाइश दी है तो मैं एक गाना अमिता दास जी के लिए था कोरा कागज़ था ये मन मेरा जो बहुत पहले से लिख के रखे थे अमिता जी अगर आप हैं और अमिता जी शेयर कर देते हैं जो लोग शेयर करते हैं मैं उनका गाना पहले गा लेता हूँ तो इसीलिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि जल्दी से शेयर कर दें बेहद ही खूबसूरत सा गाना बहुत ही फेमस गाना है और मुक्ता जी अगर हैं तो वो जल्दी से बता देंगे आप लोगों को इस गाने का पूरा डिटेल जी 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 चाहूंगा मैं तो ये मन मेरा 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 लिख लिया नाम इस पे तेरा 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 कोरा कागज था ये मन मेरा लिख दिया नाम इस पे तेरा सुनागन था जीवन मेरा बस गया प्यार इसमें तेरा थैंक यू सो वेरी मच माधव नामदेव जी शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने दोस्तों को लीजा चौधरी जी हमारे बीच में हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है जाए सपने मैं डरता हूँ इस दिन सपनों में देखा करता हूँ टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ इस दिन सपनों में देखा करता हूँ मैं ना कजरा रे मतवारे ये इशारे खाली दर्पण था ये मन मेरा रच गया रूप इस पे तेरा कोरा कागज था ये मन मेरा
लिख लिया नाम इस पे तेरा। थैंक यू सो वेरी मच नो मामा फॉर सेंडिंग स्टार्स। चैन गवाया मैंने निंदिया गवाई सारी सारी राजा दू मैं दुहाई। चैन गवाया मैंने निंदिया गवाई सारी सारी राजा दू मैं दुहाई। कहूँ क्या मैं आगे जीना लागे जीना लागे कोई दुश्मन था ये मन मेरा बन गया मीत जाके तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा लिख दिया नाम उस पे तेरा। थैंक यू सो वेरी मच। और थोड़ा थोड़ा जोड़ने के लिए धन्यवाद मुन्ना भाई। विंध्या रानी जी हमारे बीच में, विंध्या रानी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मधुर आवाज लिखते हैं अमिता दास जी के रिक्वेस्ट पे आप सुन रहे थे, मैं अपने ग्रुप में शेयर किया हूँ। मुन्ना चौधरी जी ग्रुप में आपने शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा फेवरेट, मेरा फरमाइश विजय भाई जी, आपने क्या लिखा था मैंने नहीं पढ़ पाया मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, जो पहले कुछ कुछ लोगों की फरमाइश है मैं उसको पहले मैं देखता हूँ। सबसे पहले जिन जिन का रिक्वेस्ट है मैं उसको मैं लेने की कोशिश करूँगा। इस बीच तापस मामा ने, शिव रतन तोमर ने चाहूँगा मैं तुझे भी लिखे हैं, उससे पहले कुछ लोगों के रिक्वेस्ट हैं। रोहित नागे जी के लिए गाना है और चाहूँगा मैं तुझे शाम सबरे फिर भी कभी मेरे नाम को। रोहित नागे जी अगर हैं तो जल्दी से लिखेंगे, उनका एक गाना है। एक एक करके मैं लेने की कोशिश करूंगा, सबका रिक्वेस्ट थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, गाने की कोशिश करूंगा। कुछ लोगों ने गज़ल लिखा है, गज़ल को मैं थोड़ा सा बाद में करता हूं क्योंकि उसका मूड ही अलग होता है, तो आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले गाने चलने दीजिए, फिर अंत में हम लोग फिर गज़ल के दौर करेंगे। यस, रोहित नागे जी हैं, उनका एक गाना है। वो साथी रे भी आ गया है, सागर से गहरा है प्यार। ओके, मैं देखता हूँ सागर से गहरा भी थोड़ा थोड़ा। कुछ लोग जो देख रहे हैं और शेयर नहीं किए हैं, मैं उनको देख रहा हूँ यहाँ पे, उनका शेयर का मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो जिन लोगों ने शेयर नहीं किया प्लीज़ जल्दी से शेयर करिए। खूबसूरत गाना रोहित नागे जी के लिए। मेहरबान लिखो हसीना लिखो या दिल रुबा लिखो हैरान जिस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो ना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो ना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो।
तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है, तुझे इतना है कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। थैंक यू माथुर जी, अंबिका जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका गाना भी मैं गाऊंगा। तुझे गंगा में समझूंगा, तुझे जमुना में समझूंगा, तुझे गंगा में समझूंगा, तुझे जमुना में समझूंगा, तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा, अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। थैंक यू सो वेरी मच तापस मामा, थैंक यू सो वेरी मच। और शिव रतन तोमर जी के लिए एक गाना था, चाहूँगा मैं तुझे, जल्दी से उसको लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अंबिका जी का एक गाना है उसको भी ले लूँगा। गानों की लिस्ट थोड़ी सी बढ़ती जा रही है तो मैं थोड़ी थोड़ी लेने की कोशिश करूँगा, एक अंतरा और मुखड़े के साथ मैं लूँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। ओके शिव रतन तोमर जी अगर हैं तो जल्दी से मुझे हेलो लिखेंगे प्लीज। हाँ मुझे पता चल गया, अनीता पटेल जी देख रहे हैं विजय पटेल के आईडी से, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुन्ना चौधरी जी का भी एक फरमाइश है, मेरे ख्याल से शिव रतन जी अगर इस वक्त नहीं है तो मुन्ना चौधरी जी का या अंबिका जी का एक गाना ले लूंगा मैं। उपस्थित हैं, उपस्थित हैं, बिल्कुल उपस्थित हैं। चलिए तो ये गाना आपके लिए। चाहूंगा मैं तुझे साज सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे साज सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा।
तुझे साज सवेरे देख मुझे सब है पता सुनता है तू मन की सदा देख मुझे सब है पता सुनता है तू मन की बदा मितवा साज सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा आवाज मैं ना दूंगा चाहूंगा मैं तुझे साज सवेरे गाना तो बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और अच्छा भी लग रहा है गाने के लिए लेकिन क्या करें वक्त हो चला है और थोड़ा थोड़ा सबके लिए गाने की कोशिश करूंगा क्योंकि थोड़े दिन देर में ही आप लोग जो है नींद के आगोश में चले जाएंगे और सो जाएंगे इसलिए मुझे मेरे तरफ से घर की तरफ से मुझे तो क्या है थोड़ी सी चाय मिल गई है तो एक सी थैंक यू मिनी शिवा जी थैंक यू सो वेरी मच और वीके मालवीय जी अगर हैं तो जल्दी से लिखेंगे नहीं तो अंबिका प्रसाद जी के लिए एक गाना था जब कोई बात बिगड़ जाए दो लाइन मैं उनके लिए लेता हूं अंबिका जी आप हैं मेरे ख्याल से मुन्ना चौधरी जी लिखते हैं श्रोता मित्रों कृपया स्टिकर का प्रयोग ना करें कमेंट करें बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत शुक्रिया आपके इस वी के मालवीय जी भी हैं इन्होंने भी एक गाना लिखा था जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक प्यार का नगमा है मैं डेफिनेटली सुनाऊंगा जब कोई बात बिगड़ जाए दो लाइन अंबिका प्रसाद जी के लिए उसके बाद वी के मालवीय जी के लिए और थोड़ा थोड़ा सबके लिए मैं गाने की कोशिश करूँगा ओके ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम चलिए सुनीता पटेल जी का भी गाना है वो भी लूंगा जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा न कोई है न कोई जिंदगी है तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा थैंक यू अंबिका जी थैंक यू सिरी जी राजेंद्र गुप्ता जी थैंक यू
हो चांदनी जब तक राह देता है हर कोई सा, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। हो चांदनी जब तक राह देता है हर कोई सा, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत 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 ही खूबसूरत सा गाना है, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है। इन नोटों से कुछ काम लीजिए, इनसे हमारा नाम लीजिए और इन नोटों से कुछ काम लीजिए और क्या लिखते हैं, इनसे हमारा नाम लीजिए, बस इन पर जिक्र होना चाहिए हमारा, चाहे तारीफ कीजिए चाहे बदनाम कीजिए। वाह 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 वा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो वेरी मच। एंड मनीषी बाजी लिखते हैं, इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। बाप रे, यहाँ तो इतनी गर्मी है कि हम लोग पागल हो जा रहे हैं और वहाँ फ्रीजिंग हो रहा है। देखिए रोहित नागे जी का ये दिल के करीब फेवरेट गीतों में से एक है। निचोली जी, सेवी जी और इन तमाम लोगों का ये गाना तो बहुत ही फेवरेट है। रॉय साहब भी बहुत सुनते हैं इस गाने को, लेकिन रॉय साहब है नहीं। और फिलहाल आप इस गाने को सुन रहे थे अंबिका प्रसाद दास जी के रिक्वेस्ट पर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। तो और माधव नामदेव जी ने भी कोई गाना लिखा था। माधव जी कौन सा गाना था आपका, जल्दी से आप लिख देंगे प्लीज। बीके मालवीय जी के लिए प्यार का नगमा तब तक ले लेता हूं, उसके बाद माधव जी का गाना मैं लूंगा। बीके मालवीय जी अगर हैं आप जल्दी से हेलो लिख दीजिए प्लीज। शिव रतन जी लिखते हैं, विजय के दीप जी आपकी गायकी का रिदम इतनी जबरदस्त है कि हर गीत में शहद से मिठास भर जाती है, आपके द्वारा गाया हर गीत दिल को सुकून देता है, आपकी गायकी का स्केल एकदम ओरिजिनल सा लगता है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अजीज आजकल याद कुछ रहता नहीं, बिल्कुल ये गाना भी रहेगा। बी के मालवीय जी के लिए एक खूबसूरत सा गाना, और उसके बाद फिर माधव नामदेव जी ने भी कुछ लिखा था उनके लिए भी गाऊंगा, और उसके बाद मानक मोनू जी का आजकल याद कुछ रहता नहीं। बीके मालवीय साहब आप कहां से देख रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी से मुझे लिख देंगे प्लीज। एक प्यार का नगमा है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। आप सभी की पसंद मेरी पसंद लिख रहे हैं, सभी गीत अच्छे हैं। जी हाँ, एक प्यार का नगमा है
मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। मनुएल काका हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, स्वागत है काका। ला 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 ला, कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। जी बिल्कुल, काला एंड विशोक कुमार जी, नमस्ते नमस्ते। विंध्या रानी जी, गुड नाइट, आप इतना जल्दी आज सो रहे हैं। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। थैंक यू सो वेरी मच। दिल को छू लेने वाला गीत और गायकी लिखते हैं माधव नामदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और शिव रतन तोमर जी भी लिखते हैं कि इतना मधुर गायन है और गाना ही इतने खूबसूरत है, म्यूज़िक अरेंजमेंट और जो वायलिन की जो पीस है ये बहुत ही खूबसूरत था। विंध्या रानी जी, मैं तो अभी गाता रहूँगा थोड़ी देर के लिए, और अभी 11 बजे 12 बजे तक तो रहूँगा ही मैं, तो अगर आप चख सकते हैं तो अच्छी बात है, अदर कोई बात नहीं। आप अगर रेस्टलेस फील कर रहे हैं, थके हुए हैं, तो आप रेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फ्रॉम लाबासा फिजी से काला एंड विशोक कुमार जी देख रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, मिनी शिवाजी हैज़ टू गो नाउ। ओके शी, ओके थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट सॉन्ग जो किसका था जल्दी से लिख दीजिए किसका था, और जो है अभी, और आपका गाना अगर छूट गया है तो प्लीज़ आप जल्दी से लिख दीजिए। विंध्या रानी जी, आप जग सकती हैं तो जगिए, अदरवाइज इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं तो ऐसे ही आता रहता हूँ बीच बीच में। और सीमा किंसवर जी भी अभी हमारे बीच में हैं और हेलो लिख रहे हैं, हाय लिख रहे हैं, हेलो मेरे तरफ से। मुझे लगा आप भी सो गई होंगी, पर आज तो रात जो है ना बहुत ही खूबसूरत गाने होने वाले हैं। तो विजय पटेल जी, कौन सा गाना था थोड़ा सा लिख दीजिए, आई मीन अनीता पटेल जी, कौन सा गाना था आपका। कमल शर्मा जी के लिए मुकेश जी का भी गाना एक है, वो भी बचा हुआ है। जब तक कि मैं कमल शर्मा जी के लिए एक गाना गा देता हूँ, रात की गात है, और जिन लोगों को नींद लग रहा है वो उन्हें अच्छी नींद आएगी, बहुत गर्मी है खड़गपुर में। ओके, चलिए एक अच्छा गाना कमल शर्मा जी के लिए,
मुकेश जी का गाया हुआ जो मुझे पसंद है, मैं उनको डेडिकेट करते हुए ये गाना थोड़ा सा गाने की दो चार लाइन। ओके, पी के मालवी जी भी इटारसी से हैं। ओके, काफी लोग आज इटारसी से देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी का स्वागत है। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। अनुराग भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, कहीं फूलों के मौसम कभी हम तुम भी मिलते थे, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। थैंक यू सो वेरी मच। जादू आपकी आवाज में है और सभी गाने लाजवाब गाते हैं आप, लिखते हैं सीमा के सबर जी, सिर्फ रात में सुनने गुनगुनाने वाला गीत है। माइंड ब्लोइंग विजय भाई जी, गाने का सिलेक्शन जबरदस्त, माधव नाम दीजिए, लिखते नहीं हूँ तो थोड़े थोड़े सबके लिए गाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो रात को मैं नहीं चाहता कि किसी की डांट मुझे पड़े या कोई मुझसे खफा हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि सबके लिए मैं जो है थोड़ी थोड़ी गाने की कोशिश करूंगा। बिंदिया रानी जी जगे हुए हैं और सीमा जी दोनों जगे हुए हैं, इसलिए मैं रातों के बहुत अच्छे अच्छे गाने मैं आप सबों को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अनीता मैम ने एक गाना रिक्वेस्ट लिखा था, उन्होंने लिखा क्या? नहीं लिखा है मेरे ख्याल से अभी तक। अनुराग भाई आप भी हैं तो कुछ लिख सकते हैं। सागर से गहरा है प्यार हमारा, दो लाइन इनके लिए गाता हूँ। सागर से गहरा है प्यार हमारा, देखता हूँ इसका ट्रैक अच्छा है कि नहीं। फिल्म मजदार का है मेरे ख्याल से। या विद्या जी आप लिख सकते हैं अपना फरमाइश। सागर से गहरा है प्यार हमारा, सागर से गहरा है प्यार हमारा, हम मर जाएंगे जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे जी नहीं पाएंगे, साथ कभी छूटा जो तुम्हारा,
हमारा सागर से गहरा है प्यार हमारा। हम मर जाएंगे जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे जी नहीं पाएंगे, साथ कभी छूटा जो तुम्हारा सागर से गहरा है प्यार हमारा। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारे गाने हैं और मैं गीत गाता हूँ, मैं गुनगुनाता हूँ, दो दो लाइन में सबके लिए गाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिंदिया जी के लिए गाना है और इसके पहले भी किसी ने एक गाना लिखा था, जल्दी से आप लिख देंगे। ऐश्वर्या आंटी जी, ये गाना हो चुका है अभी। ये गाना मैंने गा चुका है तो दोबारा रिपीट हो जाएगा, इसलिए आप नहीं थे मेरे ख्याल से उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट सॉन्ग है, दो लाइन गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। रंजीत अंकल भी हमारे बीच में आ चुके हैं, रंजीत अंकल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। रंजीत अंकल हमारे बीच में हैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। थैंक यू सो वेरी मच। दो दो लाइन में गाने की कोशिश करूंगा और नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली ज़्यादा सुनाऊंगा। विंध्या रानी जी वो थोड़ा सा टायर्ड हैं और उनके लिए मैं थोड़ा सा दो लाइन गाना चाह रहा था। और नाइस चॉइस फ्रेंड जी लिख रहे हैं पाकिस्तान से और उर्दू में लिखा हुआ, इनका नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। काला एन विशोक दास जी लिखते हैं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग लिख रहे हैं। विशोक कुमार जी थैंक यू सो वेरी मच। और किसी ने लिखा था मोहम्मद जी साहब का गाया हुआ गीत, आजकल याद कुछ रहता नहीं, अगर वो है तो जल्दी से मुझे लिख दीजिए, वरना मैं दूसरों का गाना मैं लेने की कोशिश करूँगा। तापस मामा के लिए, माना हो तुम बेहद, यस माधव जी एक बहुत खूबसूरत सा गाना लिखे हैं और बेहद हंसी वाले गाने लिखे हैं, तो जल्दी से मैं यशुदास साहब का गाया हुआ एक गाना, माधव नामदेव जो कि जबलपुर से देख रहे हैं, माधव जी आपने शेयर तो किया होगा मुझे ऐसा लग रहा है। गोवर्धन साहू जी, आती है रात ओढ़े हुए दर्द का कफन। गोवर्धन साहू जी ये गाना मैं शायद नहीं सुना हूँ, कोई और गाना लिख दीजिए प्लीज़। तब तक कि मैं माधव नामदेव जी के लिए लिख रहा हूँ, ये गाना लेके आ रहा हूँ। हम भी नहीं
माना हो तुम बेहद हसीन ऐसे बुरे हम भी नहीं देखो कभी तो प्यार से डरते हो इकरार से माना हो तुम बेहद हसी ऐसे बुरे हम भी नहीं थैंक यू कला अशोक जी एंड पाकिस्तान से जो जनाब दिख रहे हैं आप अपना नाम नहीं बताया है कासिम कुरैशी भाई हमारे बीच में हैं उनका भी स्वागत है खुलता नहीं कुछ दिल रुबा तुम हमसे खुश हो या हो खफा तिरछी नजर तीखी अदा लगते हो क्यों बेजार से देखो कभी तो प्यार से डरते हो इकरार से माना हो तुम बेहद हसी ऐसे बुरे हम भी नहीं गाना एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत सा है लेकिन मैं क्या करूं मजबूर हूं और थोड़ा थोड़ा गाता हूं सबका गाने गाने के लिए कोशिश कर रहा हूं तो लेकिन ये गाना मेरा भी फेवरेट में से है तो इसलिए एक अंतरा और मैं गाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है बिंदिया रानी जी को भी पसंद आ रहा है और वो रुक गई थी नींद को छोड़ के तो इसलिए एक बार फिर से एक अंतरा उनके लिए उन्होंने मुझे साथ दिया एक दो कदम बढ़ के तो मैं उनके लिए एक अंतरा और गा रहा हूं एक कदम और चांदी जैसा रंग है बिल्कुल तुम दो कदम दो साथ अगर आसान हो जाए सफर छोड़ो भी दुनिया तोड़ो न दिल इनकार से देखो कभी तो प्यार से डरते हो क्यों इकरार से माना हो तुम बेहद हसी ऐसे बुरे हम भी नहीं देखो कभी तो प्यार से डरते हो करार से थैंक यू सो वेरी मच ऐश्वर्या आंटी जी आपके गाए हुए आपके लिखे हुए जो गाने थे मैं उसको दो बार गा चुका हूं मतलब दो गाने तो मैंने ले लिया था ऑलरेडी आप उस वक्त थे नहीं
तो माफ़ी चाहूँगा, आप ऐसा मत लिखिए प्लीज़, है ना, अधिकार रखते हैं अभी भी आप, अधिकार रखते हैं, सभी का अधिकार है मुझ पर। और कुछ गाने के ट्रैक्स अवेलेबल नहीं रहते हैं अच्छे ट्रैक्स, इसीलिए जो वो गाने नहीं लेता हूँ। और कुछ गाने जो अच्छा रहता है, जिसका ट्रैक बहुत अच्छा रहता है, उस गाने को मैं लेने की कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा सा प्लीज़ समझने की कोशिश करें। रंजीत सिंह अंकल लिख रहे हैं कि उनके लिए एक कुमार सानू जी का गाया हुआ गाना लेना पड़ता है। रंजीत सिंह अंकल जी, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे प्लीज लिख दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। रंजीत सिंह अंकल, आप कुमार सानू साहब का गाया हुआ कुछ गाना सुनेंगे, या कुछ आपका अगर पर्सनल रिक्वेस्ट है तो जल्दी से लिख दीजिए। बहुत देर से आपका भी वो आ रहा है कि मेरा एक सॉन्ग ले लीजिए। अंबिका प्रसाद जी लिखते हैं जादूगरी आवाज़, थैंक यू सो वेरी मच, कमाल की गायकी। माधव नामदेव जी को, विंध्या रानी जी लिखते हैं डेली शो इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड, होप दैट डे विल श्योरली हैपन। ओके, आई विल ट्राई टू कम टुमारो, मे बी, अभी मैं फ्री हूँ तो कोशिश करूँगा कि मैं कल 9:30 बजे तक मैं आने की कोशिश करूँगा। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सैड मूड में सुनना चाहते हैं या हैप्पी मूड में सुनना चाहते हैं। सैड सॉन्ग हम उनसे, ओके कोई बात नहीं रोहित नागे जी, आप बिल्कुल आराम कीजिए क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है। देर, और एक सैड सॉन्ग है रंजीत अंकल के लिए, ठीक है। तेरे दर्द से दिल बाद रहा, तेरे दर्द से दिल बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल बात रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। बसंतदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अंबिका प्रसाद जी, थैंक यू सो वेरी मच। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, इसके बाद नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया, नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया, अपनी वफा के गुल खिल न पाए, मिलके भी तुझसे हम मिल न पाए, दर्द दिल हम कैसे सहे, दूर भी हम कैसे रहे, तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा, तेरा गम तेरे जाने के
बात रहा कुछ भूल गए कुछ याद रहा कुछ याद रहा तापस मामा थैंक यू सो वेरी मच विजय पटेल जी रंजीत अंकल के फरमाइश पे सुन रहे हैं आपको थैंक यू विद्या जी जाने वफा तुझको क्या दिल कह रहा है दुआ दे जाने वफा तुझको क्या दे दिल कह रहा है दुआ दे अरमां बुझे हैं सपने धुआ है मर मर के हम तो जिंदा यहाँ है बेखुदी में हम खो गए फिर जुदा तुझसे हो गए चाहत का जहाँ बर्बाद रहा चाहत का जहाँ बर्बाद रहा कुछ भूल गए कुछ याद रहा कुछ याद रहा तेरे दर्द से दिल बाद रहा कुछ भूल गए कुछ याद रहा 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 थैंक यू सो वेरी मच और रंजीत दंगल किसको इंतजार कर रहे हैं किसका वेलकम कर रहे हैं स्वीटी जी कौन स्वीटी जी आया मैं देख नहीं पाया हूं स्वीटी वालिया जी ओके ओके स्वीटी वालिया जी आई हैं ओके थैंक यू सो वेरी मच और गोवर्धन साहू जी अगर हैं दिल का आलम उनके लिए है गोवर्धन साहू जी अगर आप हैं तो जल्दी से हेलो लिख दीजिए प्लीज गोवर्धन साहू जी अगर हैं तो जल्दी से हेलो लिख दीजिए उनका एक गाना था दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे बसंतदीप जी हमारे बीच में हैं और अच्छे आर्टिस्ट भी हैं कलाकार हैं बहुत बहुत स्वागत है अच्छा लगता है जब हमारे बीच में अच्छे कलाकार जुड़ते हैं और गानों का लुत्फ़ उठाते हैं मज़ा लेते हैं और तारीफ़ करते हैं तो अच्छा लगता है चलिए गोवर्धन जी के लिए गाना इसके बाद गुम है किसी के प्यार में हो दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे एक चेहरे ने बहुत एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे एक चेहरे ने बहुत एक
एक चेहरे में बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। शैला दिलदार खरा जी का स्वागत है। विद्या जी, वो मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है। मैं इशारा भी अगर करता हूँ इसमें हम दोनों की रुसवाई है, इसमें हम दोनों की रुसवाई। कालम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल कालम मैं क्या बताऊं तुझे। थैंक यू मुक्ता जी। बिना जानी जी पहली बार आई हुई है, बिना जानी जी स्वागत है आपका। वेयर आर यू वॉचिंग फ्रॉम प्लीज लिखें बिना जी। अंबिका जी, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से लाइव हूं। अहमदाबाद से बहुत बहुत स्वागत है। वो तो होठों से कुछ भी कहती नहीं, उसकी आंखों में एक कहानी है। उस कहानी में नाम है मेरा, उससे कुदरत की मेहरबानी है, मुझ पे कुदरत की मेहरबानी है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे में बहुत चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। थैंक यू हरविंदर अंकल, थैंक यू सो वेरी मच। हरविंदर अंकल फिर से वापस आ चुके हैं मेरे ख्याल से, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रतिभा पुरकास्त जी हमारे बीच में। प्रतिभा जी, आप कहाँ से देख रहे हैं, पहली बार आ रही हैं मेरे ख्याल से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच, आप इस लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी एंजॉय करेंगे। ओके ओके ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का। और तापस चटर्जी जो कि सिरमपुर कोलकाता से देख रहे हैं, उनके लिए एक गाना है। ओके, फ्लॉलेस हैदराबाद से देख रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिभा जी। थैंक यू सो वेरी मच कमल जी। गोवर्धन साहू जी के रिक्वेस्ट पे आप लोग ये गाना सुन रहे थे। गोवर्धन जी, आप कहां से देख रहे हैं? चलिए, ये गाना जो है तापस चटर्जी के रिक्वेस्ट पे है। तापस चटर्जी जो कि सिरमपुर कोलकाता से देख रहे हैं, उनके बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। हाँ, क्या कहा? तापस चटर्जी मेरे ख्याल से हैं या नहीं? अक्सर ऐसा होता है कि मैं गाना गा लेता हूँ और उसके बाद फिर वो तापस मामा अगर हैं तो जल्दी से लिखेंगे, नहीं तो फिर मैं, मेरे महबूब कयामत होगी।
मेरे महबूब क्या मतलब थी? जब तापस मामा आएंगे तो मैं उनके लिए ले लूंगा। अच्छा तापस मामा है, ओके चलिए चलिए तापस मामा है, जल्दी से ले लेता हूँ मैं। हाँ क्या कहा? गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम हाय राम। कुछ लिखा? हाँ। क्या लिखा? सोचा था एक दिन मैं उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसके हवाले, फिर छोड़ दे चाहे अपना बना किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम हाय राम। लिख लिया? हाँ। जरा पढ़ के तो सुना दो। जो कि श्रीरामपुर कोलकाता से देखते हैं, और अच्छे अच्छे गाने बीच बीच में जरूर वो पेश कर देते हैं ताकि आप सबों को मज़ा आया। और रविकांत सोनवानी जी जो कि हमारे पुराने मित्रों में से एक हैं और बागबाहरा महासमुंद छत्तीसगढ़ से एक गाना सुनने की फरमाइश की हैं, वो और वो है बहुत ही खूबसूरत सा गाना, वो भी है जहरीला इंसान का है, ओ हंसिनी कहाँ उड़ चली, बहुत खूबसूरत सा गाना है, आप सबों को पसंद आएगा मुझे उम्मीद है। और आज पहली बार प्रतिभा जी जुड़े हुए हैं और प्रतिभा जी को काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रतिभा जी आप अगर शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्दी से शेयर कर दें। विजेंद्र जसवाल जी यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, दिलेश्वरी सिद्धार्थ जी, आलोक चटर्जी और तमाम लोग
वो लिखे हैं ये मौसम ये रातें ये नदी का किनारा, बिल्कुल अगर वो देख रहे हैं तो मैं डेफिनेटली कहूँगा। अरविंदर अंकल हमारे बीच में फिर से हैं। एक ओ हंसिनी कहाँ उड़ चली, थैंक यू बिंदिया रानी जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और ऐसे ही आप लोग अभी स्टार्स ऑप्शन का यूज़ करना करने की कोशिश कीजिए और इस लाइव को सपोर्ट करिए ताकि ज़्यादा अच्छे से इस लाइव को हम आप लोगों के सामने पे ले आ कर सकें। थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक यू सो वेरी मच, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। थैंक यू मुक्ता जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू रवि भाई। वीना जानी जी का ये एक वन ऑफ आवर फेवरेट सॉन्ग, थैंक यू विंध्या जी। सेबी जी का भी ये पसंदीदा गानों में से एक है। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में महक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा तेरा खजरा। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। रात के वक्त कुछ ऐसे गाने काफी मजा आते हैं। कोई बात नहीं हरविंदर अंकल, आप आपकी उपस्थिति आपका प्रेजेंस ही बहुत मायने रखता है, बहुत धन्यवाद। आप देखते रहें और अपने काम पे भी लगे रहें। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा, ओ देर से लहरों में कमल संवारे हुए मन का, ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा, ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। मेरे महबूब कयामत होगी, बहुत देर से लिख रही हैं वीना जी के लिए, मेरे महबूब कयामत होगी का दो लाइन। थैंक यू तापस मामा, गोवर्धन साहु जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू रविकांत जी,
मेरे महबूब क़यामत होगी। बिना जानी जी के लिए गाना है। बिना जानी जी आप कहां से देख रही हैं, प्लीज आप लिखेंगे जल्दी से। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तू गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझे से शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये बहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों होगी मेरे महबूब। मेरी तरह तू आए भरे, भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। तूने ओ सनम ढाए हैं कदम, तो ये तू भूल ना जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों होगी मेरे महबूब कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल से शिकायत होगी मेरे महबूब। थैंक यू सो वेरी मच कमल शर्मा जी। मुकेश जी के गाने तो मैं आपके लिए गाया था, और कौन सा सुनेंगे आप मुकेश जी का? तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं सनम तेरी, अरविंदर अंकल के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना। अरविंदर अंकल का एक रिक्वेस्ट आ गया है, जॉली जी को भी बहुत अच्छा लगा, कमल शर्मा जी तो काफ़ी अच्छा लगा। कमल शर्मा जी आप बांग्ला बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, क्या है? बहुत ही खूबसूरत सा गाना अरविंदर अंकल के लिए।
रविंदर अंकल आप इंडिया पे ही हैं या यूएस चले जा चुके हैं? लिखे नहीं आप कभी। बहरहाल ये गाना आपके लिए, इंग्लिश हिंदी बंगाली, वो बहुत बढ़िया। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, है सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, है सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान इसार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान इसार करते हैं, ऐसा हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, है सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत स्वागत है। माफी चाहूंगा अगर मैं आपका समय नहीं पढ़ पाया तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े हुए हैं। ख्वाब आंखों में अब नहीं आते, अब तो पलकों पे तुम समाए हो, हर घड़ी साथ साथ रहते हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, तेरी हर बात पे हम ऐतबार करते हैं, तेरी हर बात पे हम बार करते हैं, सनम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, सनम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। पवित्र माझी जी और काफी लोग YouTube से सुन रहे हैं, उनके लिए भी मैं गाऊंगा, सॉरी माफ चाहूंगा। एस के फैजल हुसैन साहब बहुत बहुत स्वागत है। रंजीत अंकल जी के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र सेन जी गाना सुन के जाइए। थैंक यू सेवी जी। हमको जिसकी थी वो तलाश हो तुम, खुशबू सांसों की दिल की प्यास हो तुम, तेरे आशिक तेरे दीवाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं,
सारी दुनिया से बेगाने हैं, जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं, जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं, ऐसा नम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, सनम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान सार करते हैं, सनम तो सिर्फ तुम से प्यार है, सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। जी मैं कल कोशिश करूंगा कि लाइव आ जाऊं, कल 9:30 बजे के बाद कोशिश करूंगा कि लाइव आऊं मैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू हरविंदर अंकल फॉर योर लव एंड सपोर्ट ऑलवेज, मै गॉड ब्लेस यू। और मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छा समय इंडिया पे अपने फैमिली के साथ बिता के आप फिर से आए हैं, और यहाँ पे आप काफ़ी म्यूज़िक सुनते हैं, गाना सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच कमल शर्मा जी, वाह वाह क्या खूब। कमल शर्मा जी अगर बांग्ला सुनते हैं तो मैं उनके लिए गाना बांग्ला में कोशिश करता हूँ। कमल शर्मा जी एक बांग्ला में एक गाना सुनाऊं क्या आपको? सुनना अगर चाहेंगे, या मुकेश का गाना, मुकेश जी का गाना सुनेंगे तो मैं उसमें। चलिए जितने लोग हैं जो बांग्ला समझते हैं उन लोगों के लिए, सबके लिए। ओके विंध्या रानी जी थैंक यू सो वेरी मच, ट्राई टू कम टुमारो, मैं आई विल ट्राई टू बी देयर एंड आई होप टू सी यू टुमारो अगेन। ওগো নিরুপমা করিও ক্ষমা তোমাকে আমার ধরণী করিতে আমার মনে দোষর করিতে পারিলাম না, পারিলাম না তো কিছুতে। ওগো নিরুপমা করিও ক্ষমা তোমাকে আমার হরণি করিতে আমার মনে দোষর করিতে পারিলাম না, পারিলাম না তো কিছুতে। আমার পথ তোমার পথে
Very melodious and a lovely song. Lotar moto jodiye raicho gache buji phul phutwa shomoy esheche kache lotar moto jodiye raicho gache buji phul phutwa সময় এসেছে কাছে এমন মধুর ভঙ্গিমা আমি কোনদিন ভুলব না যেন কিছুতে ভুলব না যেন কিছুতে ও নিরুপমা করিও ক্ষমা তোমাকে আমার মনে দোষর করিতে পারিলাম না তো কিছুতে थैंक यू सो वेरी मच एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. मुझे उम्मीद है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है और ये कमल शर्मा जी इसका ट्रांसलेट करके इसका आप लोगों को बताएंगे. थैंक यू सो वेरी मच शैला दिलदार खरा जी. शैला जी आपका भी कोई गाना था तो बहुत अंबिका प्रसाद जी आप समझते हैं बांग्ला समझते हैं तो मुक्ता वर्मा जी गुड नाइट लिख चुके हैं और समय हो चुका है तो मैं कोशिश करूंगा कि कल हरविंदर अंकल जी सुन रहे थे इस गाने और उनको अच्छा लगा तो बहुत बहुत शुक्रिया. हरविंदर अंकल जी के लिए गाना और रफी साहब के चाहने वालों के लिए गाना. ओके तुम्हार में मांगलिक घर बहू ओके ठीक है चले आप जिनके करीब होते हैं वो नहीं. एक गाना मैं सुना रहा हूँ ये अंतिम है और उसके बाद फिर कल मिलेंगे हम लोग. अभी जो जितने लोग हैं अभी जो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे हेलो लिख दीजिए. हरविंदर अंकल आपके लिए गाना अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुनाऊंगा. ओके वीके मालवीय जी हैं और जॉली जी हैं हरविंदर अंकल हैं वीना जानी जी हैं और कौन कौन है मुक्ता जी इजाजत चाहते हैं सेवी जी हैं सर 12 तारीख को भी 12 तारीख मुश्किल है क्योंकि 12 तारीख मेरा बर्थडे है तो माफी चाहूंगा उस दिन मैं थोड़ा सा इधर उधर रहता हूँ. 12 तारीख को बस माफ कर दीजिएगा फिर उसके बाद कभी भी. अंबिका जी हैं कोई नहीं. ये गाना जो मैं हरविंदर अंकल को डेडिकेट करते हुए मुझे उम्मीद है आप सबको ये गाना बहुत अच्छा लगेगा. बहुत ही खूबसूरत सा गाना है रफी साहब का. अनामिका जी भी हैं रंजीत अंकल भी हैं काफी लोग हैं. चलिए ये गाना अपने रुख पर निगाह करने दो खूबसूरत गुनाह करने दो रुख से पर्दा हटाओ जाने आया आज दिल को तबाह करने रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर रुख से जरा नकाब उठा दो
मेरे हुजूर जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। वो मरमरी से हाथ वो महका हुआ बदन, वो मरमरी से हाथ वो महका हुआ बदन टकराया मेरे दिल से मोहब्बत का एक चमन मेरे जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। एडवांस बर्थडे नहीं चलेगा, बर्थडे के दिन ही आप लोग बधाई दीजिए। उस दिन का मजा बर्थडे के दिन पे ही बर्थडे का मजा अच्छा लगेगा। थैंक यू अनामिका लाली जी, थैंक यू सो वेरी मच। हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर, हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर मदहोश जो चुका हूँ मैं जलवों की राह पर। अगर हो सके तो होश मना लो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। तुम हम सफर मिले हो मुझे इस हयात में, तुम हम सफर मिले हो मुझे इस हयात में, मिल जाए जैसे चांद कोई सूनी रात में, जाओ नकाब उठा दो मेरे हुजूर जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। थैंक यू, थैंक यू। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और काफी वक्त हो चला है तो आज के लिए मैं सोचूंगा कि आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि कल भी मैं अगर आऊं तो अच्छा रहेगा। तो थोड़े से गाने कल भी और सुन सकते हैं क्योंकि मैं फ्री हूं, उसके बाद मैं फिर से बिज़ी हो सकता हूं। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आप लोगों के बीच में मैं आऊंगा और कोशिश करूंगा कि कल हम करेंगे। गुलाम अली साहब का गज़ल भी मैं कल आपको सुनाऊंगा, तपस मामा। और आज के लिए मैं यहीं पर करता हूँ, अगर कल मैं आऊँगा तो कुछ कुछ गाने मैं आप लोगों के लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस मुझे इजाज़त दीजिए और कल फिर से हम मिलेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन सभी लोग जुड़ने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। कोशिश करिए कि कल भी काफ़ी लोगों को आप शेयर करें और मैं जैसे ही आऊँ तो फिर हम लोग सबकी मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप सब भी अच्छे से थोड़ा सा सो जाइए। और थैंक यू सो वेरी मच फिर से, बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और मिलेंगे कल फिर एक कुछ नए गानों के साथ आप लोगों के साथ। थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।